गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले फार क्राई 4 के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा फार क्राई 4 के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स जो गारंटी आपको नहीं पता होंगे, दो चार पता होंगे, सारे नहीं पता होंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और फार क्राई 4 के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये एक 2014 का फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है जिसे डेवलप किया था यूबीसॉफ्ट मॉन्ट्रियल ने और पब्लिश किया था यूबीसॉफ्ट ने। अब ये गेम आपने खेला है या नहीं नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और हम चलते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि फार क्राई 4 की डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुई थी। तो जैसे ही असैसिन्स क्रीड 3 की शिपमेंट्स जो वो खत्म हुई थी, उसके बाद ही इन्होंने फार क्राई 4 पे काम करना शुरू कर दिया था। और ये पहले ये सोच रहे थे कि हम फार क्राई 3 की स्टोरी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और उसका एक सीक्वल बनाएंगे फार क्राई 4। उसमें वो ऐसा करते कि जो फार क्राई 3 का प्रोटैगनिस्ट था उसकी स्टोरी को वो आगे ज़्यादा कंटिन्यू करते, उसी सेम लोकेशन में होती भाई जो ट्रॉपिकल आइलैंड थी, उसमें ओपन वर्ल्ड को थोड़ा सा और बड़ा कर देते, उसमें फार क्राई 3 के करेक्टर्स को वापस लाया जाता फार क्राई 4 में, और उसमें जो एक विलन है जिसका नाम है वास फार क्राई 3 का, वो भी वापस आता फार क्राई 4 में। लेकिन फिर 4 दिन बाद ही इसी आइडिया को स्क्रैच कर दिया गया, फेंक दिया गया। उन्हें लगता है ये आइडिया इतना अच्छा नहीं है, इससे अच्छा हमें सीक्वल तो बनाएंगे लेकिन स्टोरी बिल्कुल अलग होगी, सेटिंग बिल्कुल अलग होगी, ताकि हमें फ्रीडम मिले कुछ और नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए और बिल्कुल एक अलग टाइप का गेम बनाने के लिए। और सेकेंड फैक्ट में हम बात करने वाले हैं फार क्राई 4 की सक्सेस के बारे में, इसके थोड़ी सी सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो फार क्राई 4 वॉज अ ह्यूज सक्सेस बाय यूबीसॉफ्ट, इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था, और ये यूबीसॉफ्ट का उस सीरीज़ का, फार क्राई जो सीरीज़ है उस सीरीज़ का फास्टेस्ट सेलिंग एंड मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्च बन गया था विद इन अ वीक। इट वॉज द सेकेंड बेस्ट सेलिंग गेम इन यूके यूनाइटेड किंगडम ओनली आफ्टर GTA 5, और ये US का भी 6th बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम था उस टाइम का। और बल्कि यूबीसॉफ्ट ने तो लॉन्च के टाइम पे ये सोचा था कि ये 2014 के एंड तक लगभग 6 मिलियन कॉपीज बिक जाएंगी इसकी, लेकिन एक्चुअल में 2014 के एंड तक इसकी 7 मिलियन कॉपीज बिक गई थी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट थी यूबीसॉफ्ट के लिए। और फैक्ट 3 में हम बात कर रहे हैं कि आप इस गेम को 15 मिनट के अंदर भी खत्म कर सकते हैं फार क्राई 4 को। जी हाँ, जैसे मैंने एक फार क्राई 5 पे भी वीडियो बनाई थी फैक्ट्स की, उसमें मैंने इसकी एक अल्टरनेट एंडिंग के बारे में बताया था, वैसे ही आज बता रहा हूँ फार क्राई 4 की एक सीक्रेट एंडिंग अल्टरनेट एंडिंग। इसमें क्या था कि जैसे जो फर्स्ट कटसीन खत्म होता है जिसमें पगनमैन आपसे कहता है कि आप थोड़ा सा वेट करो मैं आता हूँ थोड़ी सी देर में, तो आपके पास अब पूरा कंट्रोल आ जाता है करेक्टर का, और नॉर्मली गेमर क्या करता है कि वो उसे नीचे ले जाएगा, वो मैंशन को एक्सप्लोर करने लगा, फिर उसे एक नया करेक्टर मिलेगा, वहाँ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पर रुके रहें 10 से 12 मिनट तक वहीं पर रुके रहेंगे तो वो बंदा वापस आएगा पगन में, और फिर वहाँ से और स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी, जहाँ पर वो आपको उस जगह पर ले जाएगा जहाँ पर आपकी बहन की अस्थियाँ रखी हुई हैं, फिर आपको पूरी स्टोरी बताएगा फैमिली की, आपके फादर मदर के बारे में, और फिर वहाँ पर आप अपनी मदर की जो एशेज हैं वो भी वहां पे रख देंगे, और अजय जो कि फार क्राई 4 का मेन प्रोटैगनिस्ट है वो पगनमैन के साथ ही मिल जाएगा और वहां पे स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो ये एक सीक्रेट एंडिंग थी, लेकिन सीक्रेट एंडिंग के एंड में भी वो कहता है पगनमैन आपसे कि चलो अब थोड़ी सी गन बन चलाते हैं, तो इससे पता लगता है कि यूबीसॉफ्ट खुद कह रहा है कि ठीक है चलो तुम्हें मिल गई सीक्रेट एंडिंग, लेकिन अब गेम दोबारा स्टार्ट करो और नॉर्मल जैसे खेलना चाहिए वैसे खेलो, तभी मजा आएगा गन बन का। हमने इतनी मेहनत करके गेम बनाए, इतने साल लगाए हैं, और तुम 15 मिनट में गेम खत्म कर रहे हो। गाइज, फोर्थ फैक्ट में हम बात कर रहे हैं कि इस गेम में टोटल 3 एंडिंग्स हैं। एक एंडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया पहली सीक्रेट एंडिंग जो है, फिर बची 2 एंडिंग्स। अब इन 2 एंडिंग्स में से कुछ लोग इससे किसी को बैड एंडिंग कहते हैं, किसी को गुड एंडिंग कहते हैं। पहले मैं आपको दोनों एंडिंग्स के बारे में बता देता हूँ। तो एक एंडिंग ये है जिसमें आप पगन में इनको आखिरी में गोली मार देते हो वहीं पे, और फिर वहाँ पे गेम खत्म हो जाता है, मतलब थोड़ी सी आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है। और दूसरी एंडिंग ये है कि जिसमें आप पगन में इनको गोली नहीं मारते, फिर वो आपको उस लोकेशन पर लेके जाता है जहाँ पे आपके सिस्टर की जो अस्थियाँ एशेज हैं वहाँ पे रखी हैं, फिर आप अपनी मदर की एशेज भी वहाँ पे रखते हो, और फिर पगन मैन आपको वहाँ का किंग बना देता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो ये है मेन 2 एंडिंग्स। अब कुछ गेमर्स कहते हैं कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी एंडिंग है, ये मैं कहूँ ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको कौन सी सही लग रही है। अब लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो बैड एंडिंग लोग उसको कह रहे हैं जिसमें आप पहले उसको शूट कर देते हो पगन मैन को। ऐसा क्यों? क्योंकि इस गेम की स्टार्टिंग में ही हमें बताया गया था कि अजय का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि अपनी मदर की एशेस को लक्ष्मण के साथ रख देना, लेकिन अगर आप पहले ही उसको मार दोगे पगन मैन को तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर लक्ष्मण क्या है, क्योंकि एक्चुअल में अजय को तो ये लगता है कि लक्ष्मण एक जगह है, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि लक्ष्मण एक्चुअल में उसकी एक सिस्टर थी जिसको मार दिया गया था, और ऐसे में आपको पता नहीं लगेगा कि लक्ष्मण क्या है, और आप अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपकी मदर की जो एशेज है वो आप कभी भी सही जगह पर नहीं रख पाएंगे।
तो इसीलिए लोग कहते हैं कि एक बैड एंडिंग है। और अगर आप पैगनमैन को नहीं मारते और उसे अलाउ कर देते हैं कि वो आपको लोकेशन दिखाए पूरी और स्टोरी बताए, तो वो गुड एंडिंग मानी जाती है। वैसे इस गेम की स्टोरी अच्छी लगी मेरे को, और मैं आपसे कहूँगा कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें विनर ब्रो गेमर की। इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाई है पूरी फार क्राई 4 की स्टोरी, और बहुत सारे जो अल्टरनेट एंडिंग्स हैं और जो चॉइसेस हैं उन सबको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप एक बार ज़रूर देखना। अब फिफ्थ फैक्ट में हम बात कर रहे हैं कि फार क्राई 4 के डेवलपमेंट के टाइम पे डेवलपर्स ने ये सोचा कि हम फार क्राई 4 को एक बिल्कुल स्टैंड अलोन गेम बनाएंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि अगर जिस बंदे ने फार क्राई 3 नहीं भी खेला है वो भी खेल पाएगा फार क्राई 4 को और पूरा इन्जॉय कर पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि फिर हम फार क्राई 3 के किसी करेक्टर को यूज़ नहीं करेंगे फार क्राई 4 में, एक्सेप्ट विलिस एंड हर्क। ये दो करेक्टर्स थे जिनको फार क्राई 4 में वापस लाया गया। और इसमें मैं बात कर रहा हूँ विलिस के बारे में। विलिस हंटली एक CIA एजेंट है जो कि फार क्राई 3 में था, और वो फार क्राई 4 में छोटे से टाइम के लिए एक काइंड ऑफ विलन का रोल करने आया था, और फिर इवन वो फार क्राई 5 में भी आया था एक साइड मिशन के लिए। तो ये दो करेक्टर्स थे जिनको लाया गया था फार क्राई 4 में, और मैंने बताया विलिस हंटली तो फार क्राई 5 में भी आया है। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इन्हें लगा कि चलो कुछ करेक्टर्स को तो ले आते हैं एक बार को फार क्राई 3 से फार क्राई 4 में, वरना कोई लिंक ही नहीं लगेगा कि पुराने गेम और इस नए गेम में क्या लिंक है। और वैसे भी इन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना कि सारी फार क्राई गेम्स जो हैं वो एक सेम यूनिवर्स में सेट हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल ही अलग गेम लगने लगे। अब सिक्स्थ फैक्ट में हम काफ़ी सारे रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी पर्टिकुलरली हम मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें गेम में आपको एक रैंडम फोटो मिलती है एक डॉफ की, डॉफ यानी कि एक बोना आदमी, और उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि फोटो ऑफ अ नेकेड डॉफ, विंटर इजंट द ओनली थिंग कमिंग। तो ये रेफरेंस है GOT का यानी कि गेम ऑफ थ्रोन्स का, उसके करेक्टर का टायरन लैनिस्टर और एडर्ड स्टार्क। फिर इस गेम में आपको एक पिस्तौल भी मिलती है जिसका नाम है AGM-9 पिस्तौल, और ये इस वेपन के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है द फ्यूचर इज नाउ विद दिस बर्स्ट फायर हैंडगन दैट कैन शेड टारगेट्स एंड प्रोटेक्ट द इनोसेंट। तो ये पिस्तौल के डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। और ये जो AGM-9 ये जो नाम है अगर आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो इसका मतलब निकल के आता है एलेक्स जे मर्फी, जो कि एक्चुअल में मेन करेक्टर का नाम है रोबोकॉप मूवी के। रोबोकॉप एक मूवी थी जो पता नहीं आपने देखी होगी या नहीं, ऐसे बहुत अच्छी मूवी है आप देखना, और नीचे कमेंट्स में बताना आप में से अगर किसी ने देखी है। तो उस बंदे का जो नाम था एलेक्स जे मर्फी, जो आगे चल के रोबोकॉप बनता है, उसी का ही एक रेफरेंस दिया गया इस गेम में एज AGM-9 पिस्तौल। और साथ ही साथ इवन इसमें स्टार वॉर्स का भी रेफरेंस दिया गया है, स्टार वॉर्स मूवी का। जी हाँ, इसमें एक वेपन है जिसका नाम है HS-77, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है हैन सोलोस ब्लास्टर। हैन सोलो आप जानते हो करेक्टर है काफ़ी सही स्टार वॉर्स का, और उसका जो ब्लास्टर है उसकी तरह ही बनाया गया है HS-77 वेपन, और ये स्टार वॉर्स मूवी में आ चुका है बेसिकली हैन सोलो, आपको पता ही होगा। और जो HS-77 है उसे आप एक्सपैंड करेंगे तो वो निकल के आता है हैन सोलो 1977, और 1977 स्टार वॉर्स मूवी की रिलीज डेट है। और सेवंथ फैक्ट में हम एक और रेफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लिया गया यूट्यूब से। जी हाँ दोस्तों, इस गेम का एक साइड मिशन है जिसमें आप एक काफी रेयर हनी बैजर को हंट करते हो जिसका नाम है गुलो, और ये रेफरेंस लिया गया काफी ज्यादा पॉपुलर यूट्यूब वीडियो से जिसका टाइटल है द क्रेजी नेस्टियस हनी बैजर। और ये वीडियो जो है वो 2011 में आई थी यूट्यूब पर, जिसपे 93 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। और इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सही कमेंट्री, बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्री की गई है रैंडल के द्वारा, और उसने मतलब हनी बैजर के बारे में बता रखा है सब कुछ। काफ़ी सही वीडियो है, आपने अगर नहीं देखी तो देखना, और उसी का एक रेफरेंस छोड़ा गया इस गेम में भी। अब एट्थ फैक्ट में हम बात कर रहे हैं कुछ और डेवलपमेंट के बारे में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ये जो फार क्राई 3 की बिल्कुल डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होने वाली थी, फिर इस आइडिया को कैंसिल किया गया, तो फिर डेवलपमेंट टीम ने ये सोचा कि अब हम इस गेम में ना सब कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं, यानी कि एक बार सबसे राय लेंगे कि सब क्या चाहते हैं इस गेम में, और फिर बना के देखते हैं कि कैसा लगता है गेम, क्या स्टोरी बैठती है, कैसी सेटिंग बैठती है। तो इसमें उन्होंने कुछ टीम मेंबर्स ने ये कहा कि प्लेयर ना वो उड़ना चाहिए कि प्लेयर फ्लाई कर पाए, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर फ्लाई कर पाए तो यानी कुछ माउंटेन से रिलेटेड सेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि फ्लाई करके वो हाई लैंड पे ही तो जाएगा या फिर हाई से लो पे जाएगा। और फिर जो गेम के डायरेक्टर है वो चाहते थे कि इस गेम में वो वॉर एलिफेंट्स को इंक्लूड करें, और ये बिल्कुल एग्जॉटिक माउंटेन साइड्स पे ही मिलेंगे जो कि मतलब बिल्कुल वहाँ के यूनिक कल्चर को बताएं। तो इसीलिए उन्होंने सोचा डेवलपमेंट टीम ने कि हम इस गेम को सेट करेंगे किसी माउंटेन वाली जगह पे। और इसी से ही हमारा 9th फैक्ट निकल के आता है जिसमें हमें पता लगता है कि इस जो गेम है वो हिमालयाज में सेट है, हिमालयाज में एक फिक्शनल सिटी में सेट है जिसका नाम है कायरात,
और ये नेपाल में है। और मतलब यूबीसॉफ्ट की आप डेडिकेशन देख रहे हो, इस सिटी को क्रिएट करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी डेवलपमेंट टीम को वहाँ पे कुछ हफ्तों के लिए नेपाल में रुकने के लिए भेजा कि वहाँ पे माउंटेन्स में जाके रहें, वहाँ पे देखें कि कैसी लगेगी वो फिक्शनल सिटी कायरत और वो कैसी दिखेगी गेम के अंदर, कैसी फील करेगी। और फिर इसका एक प्रोटोटाइप वर्जन भी थोड़ा सा उसकी फ़ोटोज़ आई थी जिसमें इस गेम में ना ही बिलबोर्ड्स थे कोई, ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट्स थे, कोई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं था, जिससे पता लगा कि बिल्कुल मतलब एक्चुअल नेपाल जैसा होता है ना, वहाँ की जो हिमालय वाला रीजन है बिल्कुल वैसा लग रहा है देखने में। तो एक काफ़ी बढ़िया काम किया था यूबीसॉफ्ट ने। अब 10th फैक्ट में हम बात कर रहे हैं बहुत सारे वीडियो गेम रेफरेंसेस के बारे में। तो इसमें आपको काफ़ी सारे लॉस्ट लेटर्स मिलेंगे और उन पे आप देखेंगे तो टेम्पलर्स की सील है और वहाँ पे आपको एक इंग्लिश सोल्जर भी मिलेगा मरा हुआ। तो ये रेफरेंस लिया गया असैसिन्स क्रीड से और मैं कहूँगा मोस्ट प्रोबेबली असैसिन्स क्रीड 3 से, क्योंकि उसमें इंग्लिश सोल्जर्स दिखाए गए थे क्योंकि वो अमेरिका में सेट था ना गेम। अब इसमें एक और चीज़ है जैसे कि हर्क्स रिडेम्पशन डीएलसी, इसका जो पहला मिशन है जिसका नाम है स्पीक नो इविल, उसमें वो बंदा पैगन मिन को रेफर करता है पैगन्स लिटिल गुम्बास के नाम से और ये लिया गया, बल्कि ये पॉइंट करता है किंग बाउजर गुम्बास को जो कि एक्चुअल में सुपर मारियो ब्रदर से लिया गया है। तो यानी इसमें सुपर मारियो का भी रेफरेंस छोड़ा गया है। और इसमें और भी बहुत सारे रेफरेंसेज हैं जैसे कि फार क्राई 1, 2, 3 सभी गेम के रेफरेंसेज छोड़े गए हैं, बहुत सारी ईस्टर एग्स हैं। अब मैं सबको इंक्लूड नहीं कर रहा वरना वीडियो बोरिंग हो जाएगी और इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ जिसमें मैंने आपको 10 फैक्ट्स बता दिए फार क्राई 4 के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और गेमिंग रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। मिलता हूँ मैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। We'll be right back.